नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज रात 12:10 तक रहेगी। आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मास शिवरात्रि व्रत किया जाता है, यानी कि आज मास शिवरात्रि व्रत किया जाएगा। आज रात 9:44 तक व्याघात योग रहेगा, साथ ही आज रात 9:40 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र का अर्थ होता है, आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आज रात 10:36 पर सूर्यदेव पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही आज दोपहर 12:36 तक स्वर्गलोक की निष्प्रभावी भद्रा रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 26 जुलाई को सुबह 9:32 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 जुलाई की रात 8:30 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 जुलाई की सुबह 5:37 से शाम 4:47 तक और शाम 6:51 से 7:15 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 जुलाई की सुबह 9:53 से दोपहर 2:29 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 20 जुलाई की रात 11:03 से 11:34 तक और रात 1:39 से अगली सुबह 5:37 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 तारीख को सुबह 9:32 से 11:54 तक और दोपहर 2:13 से रात 8:18 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 20 जुलाई की रात 11:03 से 11:34 तक और रात 1:09 से अगली सुबह 5:37 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 20 जुलाई की रात 11:03 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:36 से 7:19 तक। मुंबई शाम 5:40 से 7:19 तक। चंडीगढ़ शाम 5:41 से 7:25 तक। लखनऊ शाम 5:19 से 7:01 तक। भोपाल शाम 5:27 से 7:08 तक। कोलकाता शाम 4:43 से 6:23 तक। और अहमदाबाद में राहुकाल होगा शाम 5:46 से 7:26 तक। जबकि चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 5:03 से 6:39 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम या घर से बाहर निकलकर दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम जाइए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वालों, आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। किसी दूसरे का उत्साह देखकर आप उत्साहित होंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स अगर किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। साहित्य से जुड़े लोगों को उनकी काबिलियत के लिए सम्मानित किया जाएगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बॉस आपकी परफॉर्मेंस से खुश होकर आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज, जो लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपको अचानक धन लाभ होगा। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। आप किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में विचार करेंगे। जीवन साथी के सौहार्द में बढ़ोतरी होगी। आज आपकी सकारात्मक सोच आपको फायदा दिलाएगी। आज आपको अपने पुराने कामकाज में बेहतर तरीके मिलेंगे। कई नई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। आप अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ आज हासिल करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे। अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते नजर आएंगे। आपको जीवन साथी से कोई ऐसी चीज मिल सकती है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। आज आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। इस राशि के मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज शाम को घर पर पार्टी का प्लान बना सकते हैं। आपको कोई गलतफहमी हो सकती है, अवॉइड करिए। छुपी हुई कुछ बातें आज आपके सामने आएंगी। आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। काम की उलझनों में आप फंस सकते हैं। कोई बड़ा और अलग काम करने से आपको बचना चाहिए। आज अवॉइड करिए, कल कर लीजिएगा। संतान के साथ विवाद होने की संभावना बन रही है। जीवन साथी के साथ आप समय बिता सकते हैं। किसी भी मामले को बातचीत और शांति से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऑफिस में अपने काम की प्रशंसा के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इस राशि के व्यापारी वर्ग को धन लाभ के मौके मिल सकते हैं। शाम को दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। आपका कोई काम अटक सकता है। जिम्मेदारियों के बोझ से आपका मूड थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन शाम तक मूड ठीक हो जाएगा। संतान की तरक्की से आप खुश हो सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज किसी मित्र की मदद से आपके काम बनेंगे। अपने कॉन्फिडेंस के दम पर आप लगभग हर काम में सफल होंगे। कला या किसी रचनात्मक काम में आपका रुझान बढ़ेगा। आपका दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा। कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। भाग्य आपको कुछ अच्छे मौके देगा। धैर्यपूर्वक की गई बातचीत आपके फेवर में होगी। ऑफिस में आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। दूसरे आपकी योजना से काफी प्रभावित होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज कामकाज निपटाने के लिए आपको कुछ नए तरीके मिल सकते हैं। आप इसमें सफल भी हो सकते हैं। दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार आ सकता है। आपका भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान बढ़ सकता है। आपके मन में कोई बात दबी हुई हो सकती है। आज सेहत के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। भविष्य को लेकर आपको कोई आशंका हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक काम को पूरा करने में आप सफल हो सकते हैं। किसी जरूरी काम में आपको दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आपको मौज मस्ती के कुछ बेहतर मौके भी मिलेंगे। कुछ लोग आपके लिए खास साबित हो सकते हैं। खुद को सही साबित करने का अच्छा दिन है। मिलकर किए गए कामों में आपको बहुत हद तक सफलता मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज किस्मत का साथ मिलेगा। आय के नए स्रोत सामने आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में बेहतर तरीके से होगा। शाम को मेहमानों के आने से घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। आज आपको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6।
मकर राशि वालों आज आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। काम ज्यादा और लाभ कम, इस तरह की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। आप किसी काम के लिए जितना ज्यादा प्रयास करेंगे काम उतना ही बेहतर तरीके से होगा। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की जरूरत है। कारोबारी आज व्यावसायिक साझेदारी में अपनों से सलाह लेकर काम करेंगे तो फायदा जरूर होगा। ऑफिस में काम आसानी से पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, कारोबार में आपको लाभ ही लाभ होगा। शैक्षणिक कार्यों में आपका मन लगेगा। इस राशि के राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। परिवार में किसी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। आपको किसी से उपहार मिल सकता है। घरेलू काम को निपटाने में आप सफल रहेंगे। सही योजना के तहत अपने करियर में बदलाव लाएंगे। सेहत के मामले में आप खुद को फिट महसूस करेंगे। आपका कोई जरूरी काम पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज किसी जरूरी कामकाज को निपटाने में आप सफल हो सकते हैं। आज का दिन किसी खास काम के लिए फेवरेबल है। आप अपने आसपास के लोगों के साथ उदार रहेंगे। आपके अच्छे अनुभव के कारण आपके साथी आपसे कुछ सलाह ले सकते हैं। आपको रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आज आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज दिन भर अपने साथ थोड़ी मिश्री रखें। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज भगवान शिव की पूजा करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, पारिवारिक कामों को करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। मूलांक 2, खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका आर्थिक पक्ष बेहतर बनेगा। मूलांक 3, विद्यार्थियों को आज अपनी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए टाइम टेबल में चेंजेस करने की जरूरत है। मूलांक 4, जो लोग संगीत में रुझान रखते हैं उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। मूलांक 5, आज आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। मूलांक 6, आज आप खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे। आज आप सारे काम समय से पूरा करने में सफल होंगे। मूलांक 7, आज लवमेट से सरप्राइज मिलेगा जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 8, जीवन साथी के साथ मिलकर घर के सारे काम पूरे कर लेंगे। आपसी सौहार्द में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 9, आज आपका सकारात्मक विचार लोगों को प्रभावित करेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे ड्राइंग रूम में फर्नीचर की दिशा के बारे में। ड्राइंग रूम में सोफा सेट रखने के लिए या कोई अन्य सजावटी फर्नीचर जो भारी हो, भारी फर्नीचर रखने के लिए दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम दिशा, यानी नैऋत्य कोण में सबसे भारी, फिर दक्षिण दिशा में भारी, फिर पश्चिम दिशा में भारी। तो इस तरह इस दिशाओं का चुनाव सबसे बेहतर है। फर्नीचर को दक्षिण पश्चिम दिशा से सटा कर रखना चाहिए, उधर स्पेस नहीं छोड़िए। इससे शुभ वास्तु के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आपके घर की दशा दिशा कुछ इस तरह है कि आप दक्षिण पश्चिम दिशा में फर्नीचर नहीं रख सकते, कुछ और है, तो आप उत्तर या पूर्वी दिशा के सहारे सोफा या सजावटी फर्नीचर रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इन दिशाओं में फर्नीचर रखते समय दीवार से फर्नीचर कम से कम 6 से 8 इंच की दूरी पर रखें। ऐसा करने से आपके घर में दिशा से संबंधित कोई वास्तु दोष नहीं होगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज रात 12:10 तक रहेगी। आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मास शिवरात्रि व्रत किया जाता है, यानी कि आज मास शिवरात्रि व्रत किया जाएगा। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विधान है। आज मास शिवरात्रि का व्रत करके और कुछ खास उपाय करके आप कैसे अपने जीवन में सारे कार्यों को सफल बना सकते हैं और समस्याओं का समाधान पाकर अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं, आज हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बात आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 9:44 तक व्याघात योग रहेगा। इस दौरान शुरू किए गए किसी भी प्रकार के कार्य में अड़चने आती रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति इस योग में किसी का भला करने जाए तो लोग उसे गलत ही समझते हैं। साथ ही आज रात 9:40 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं
उन 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा को छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। पेड़ पौधों में आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको शीशम के पेड़ को कभी भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा आज रात 10:36 पर सूर्य पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2 अगस्त की रात 9:29 तक यहीं पर रहेंगे। उसके बाद आश्लेखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही आज दोपहर 12:26 तक स्वर्णलोक की निष्प्रभावी भद्रा रहेगी। इसकी चर्चा अभी कल ही कर चुके हैं और इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले व्याघात योग, आर्द्रा नक्षत्र, भद्रा और सूर्य के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश की। और अब बात करेंगे आज मास शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपायों की, जिसे करके आप अपने परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, अपने धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और संतान से अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आज चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज के ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी राशि वाले लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। अगर आप अपने परिवार की समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान शिव को दही में थोड़ा सा शहद डालकर भोग लगाएं और भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप कुछ दिनों से किसी पुरानी बात को लेकर, कोई पुरानी बात है, परेशान है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन एक मुट्ठी चावल लेकर उसमें से कुछ चावल शिव मंदिर में चढ़ाएं और बाकी किसी जरूरतमंद को दे दें। अब एक मुट्ठी में किसी का क्या होगा, 4-6 मुट्ठी दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाइए। साथ ही भगवान शंकर के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस तरह है, ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम, ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। देखो शं मंत्र का इस्तेमाल ज्यादातर हम शंकर के साथ करते हैं, ज्यादातर शंकर के साथ ही होता है, क्योंकि शंकर शब्द का निर्माण ही शंकर, शं माने कल्याण, कर माने करने वाला या करिए, लेकिन यहां शंकर जो योग है वो शिव के साथ है। शत्रु से मुक्ति में इस योग का इस्तेमाल करेंगे और वह भी आज के दिन तिथि मुहूर्त के हिसाब से। आगे चलते हैं। अगर आप अपने धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर गंगा जल मिलाकर तब जल अभिषेक करें, शिवलिंग का जल से अभिषेक करें और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके भौतिक सुखों में निरंतर बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है जिसका आप कोई हल ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो आज अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अब अगर आप मंदिर जा ही रहे हैं तो गंगा जल, दूध और पानी अलग अलग ले जाइए, एक बार ये कर दीजिए, एक बार ये कर दीजिए। और परेशानियों का हल निकालने के लिए 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाइए और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानी होगी उसका हल जल्द ही निकलेगा। अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और अगर संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें। साथ ही शिव मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जप पूरा होने के बाद अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाने के साथ ही अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन शिवलिंग पर विल्व पत्र चढ़ाइए, साथ ही भगवान को मिश्री का भोग लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा, साथ ही आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अगर आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन शिव मंदिर जाइए और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाइए, साथ ही शिव जी को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं।
फिर शिव जी के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपकी सभी परेशानियों का हल निकल जाएगा। अगर आप अपना जीवन तरक्की के रास्ते पर बढ़ता बढ़ता आपका जीवन मान लीजिए तरक्की की तरफ जा रहा था, बढ़ता बढ़ता बीच में कहीं अटक गया, तो जीवन में तरक्की को बनाए रखने के लिए आज के दिन सुबह के समय शिव जी को पंचामृत और सफेद फूल चढ़ाइए। पंचामृत आप जानते ही, दूध दही घी शक्कर मधु ये सब चीजें मिलाकर। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपकी तरक्की बनी रहेगी। अगर आपको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए आज के दिन शिव मंदिर जाइए और भगवान शिव को जौ के दाने चढ़ाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके वो अपने गुस्से पर कंट्रोल बना रहेगा, आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे और चीजें सुभद हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके सभी कामों में आपकी मदद करे और उनसे आपका संबंध बेहतर बना रहे तो आज के दिन शिव जी को नारियल अर्पित करें, साथ ही भगवान शंकर को सूखे मेवे का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान आपके सभी कामों में आपकी मदद करेगी और उनसे आपका संबंध बेहतर बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज मास शिवरात्रि व्रत के बारे में। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मास शिवरात्रि व्रत के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, आज हमने इस सब की चर्चा की। यहां आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार ये उपाय सभी राशि के लोग कर सकते हैं, सबको इससे आराम होगा। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नजर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से साफ पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज अचानक किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है, उससे अपनी पर्सनल बातें शेयर करेंगे और फ्यूचर का प्लान तय करेंगे। B, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई जरूरी काम पूरा होगा। C, आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा, जिससे आप अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। D, आज आपके कार्यों में माता पिता का पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आप अपने कामों को पूरा करने में सफल होंगे। ई, विवाहितों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर बनेगा। F, आज आप शॉपिंग करने का मन बना सकते हैं कोरोना के इस समय में घर की जरूरत की चीजें तो खरीदनी होंगी, जरूरत की चीजें खरीदेंगे। G, आज आपके मन में नए विचार आएंगे, किसी काम के लिए कोई कार्य योजना तैयार करेंगे। H, आज का दिन शानदार रहेगा, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। I, आज आप थोड़ी थकान महसूस करेंगे लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। J, जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। K, दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी करेंगे, सभी लोग खूब मस्ती करेंगे। L, बिजनेस के सिलसिले में किसी से फोन पर बात करेंगे, आपकी सारी बातें अच्छे से फाइनल हो जाएंगी। M, आज आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जिससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। N, आज आपकी योजनाएं सफल होंगी, साथ ही आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। O, आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ रहेगा, जिससे लोग आपकी तारीफ करेंगे। P, शाम को घर वालों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। Q, आज अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। R, बिजनेस में लगाए पैसे से आपको फायदा होगा, जिससे आप बहुत खुश होंगे। S, जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन काफी शानदार रहने वाला है।
टी छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपके करियर को नई दिशा मिलेगी। यू कार्यस्थल पर आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साथ ही लोग आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। वी नौकरी पेशा लोगों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही कोई बिजनेस शुरू करने का मन बनाएंगे। डब्ल्यू आज ऑफिस में सीनियर्स के सहयोग से आपका काम समय से पूरा हो जाएगा। एक्स लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। वाई आज व्यापार में मुनाफा होगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जेड आज आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करेंगे, ये बदलाव आपके लिए बेहतर रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज सावन मास की शिवरात्रि के मौके पर हम आपको कराने जा रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पवित्र दर्शन। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि बाबा महाकाल ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। इस उज्जैन शहर के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे यहाँ कोई बड़ा व्यक्ति रात में सो नहीं सकता। इस जगह पर रात में कोई व्यक्ति रुक नहीं सकता जहां ये ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा ये भी कथानक है कि पिछले 700 वर्षों से एक अघोरी रोज रात में चिता से अग्नि लेकर आता है, भस्म लेकर आता है। 700 साल तो किसी अघोरी की उम्र नहीं हो सकती, जाहिर है क्यों बदलता है। वो अघोरी कब बूढ़ा होता है, कब वो गुजर जाता है, तब उसका स्थान दूसरा अघोरी ले लेता है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लोग कोशिश करते हैं उस अघोरी के पास जाने की, हमने भी कोशिश की, तो वो आपसे बहुत से बहुत हर आदमी को दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वह नॉमिनल से 10 रुपए दे दीजिए, 2 आलू दे दीजिए, वो ले लेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये भी अद्भुत परंपरा है। और वो अघोरी जब भस्म चिता की लेकर आता है तो उसका स्टेटस VVIP होता है, उस समय और किसी का कोई भी VIP नहीं होता। वो चिता से रोज भस्म लेकर सुबह आता है और उसी भस्म से महाकालेश्वर की आरती की जाती है, उसी को पवित्र भस्म आरती कहते हैं, जिसे देखने रोज सुबह बहुत से दूर दूर से लोग जाते हैं उस भस्म आरती के दर्शन करने। काल अब्याल कराल भूषण क्रम गंगा शशांक प्रियम, अद्भुत स्वरूप है महाकालेश्वर का और अद्भुत इसका विग्रह है, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, अमावस्या पूर्णिमा संक्रांति चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीजों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है, ये नरक के प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज रात 12:10 तक रहेगी, उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 11:03 तक रहेगी। चतुर्दशी की तरह अमावस्या तिथि में भी तिल के तेल से बनी चीजों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। अतः आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल रात 11:03 तक आपको तिल के तेल से बनी चीजें और दही आदि का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना, ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल वेदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सूर्य को नमस्कार करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।